डेली स्नान करवाना है, कपड़े बदलने हैं, फिर पूजा करनी है, फिर मंत्र करना है, फिर नाम जप करना है, उसके बाद फिर भोग भी लगाना है। ऐसे तो आप घुसोगे ही नहीं उसमें डर के। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं ना कि अच्छा ये सब करना पड़ेगा, फिर तो रहने दो, फिर तो आप आओगे ही नहीं आगे। आप तो आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और सवाल का जवाब लेकर। जो मेरे पास आया था वो था ठाकुर जी के वस्त्रों को लेकर। हाँ जी, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो जो है वस्त्र जो उनका उस सेवा का जो मेन हिस्सा भी मान के रखते हैं, जो मेन हिस्सा माना जाता है रोज़ वस्त्र बदलने की सेवा, उनको नहलाने की, स्नान करवाने की सेवा, उसके बाद वस्त्र बदलने की सेवा मेन श्रृंगार की इसमें आती है। तो उसके बारे में कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। वो क्वेश्चन ये था कि क्या वो हमको धोने चाहिए जो वस्त्र हम बदलते हैं रोज़ ठाकुर जी के, जो एक दिन पहले पहने थे, अब उनको हमको रोज़ धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, या कभी कभी धोना चाहिए कुछ डिस्टेंस पे, और धोना चाहिए तो फिर वो धोने से ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वो ड्रेसेस ऐसी नहीं होती, वो काफ़ी फैंसी वो ड्रेस होती है, वो धोने से ख़राब हो जाती है। बहुत सी ऐसी होती हैं जो एक बार धोने में ही ख़राब हो जाती हैं। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपकी इस वीडियो में लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियो ठाकुर जी से प्रेम संबंधित, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे श्री कृष्ण ठाकुर जी और हमारी राधा रानी के बारे में जो लाती रहती हूँ वीडियोज़, जिससे आप उनसे बेखौफ होकर, बेझिझक होकर, बेडर होकर, निर्भय होकर ठाकुर जी से जुड़ सकें, उनकी सेवा कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी आपको वीडियोस रिलेटेड मिलती रहे रोज़ डेली न्यू न्यू, और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन लोगों से ये वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी ये रिक्वेस्ट होती है। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ इस आज के टॉपिक की तरफ, क्या है। तो भाई ठाकुर जी की सेवा के बारे में बताया कि जो सेवा का मेन हिस्सा जो है होता है स्नान करवाना, वस्त्र बदलना। कुछ लोग रोज़ बदलते हैं वस्त्र, कुछ लोग एक दो दिन छोड़ के बदलते हैं, कुछ लोग डेली, कुछ लोग महीने में एक बार बदलते हैं, कुछ लोग साल में एक बार जन्माष्टमी वाले दिन भी बदलते हैं। सबका अपना अपना मनोभाव है, अलग अलग भाव है, और सबकी अलग अलग, मैं कहती हूँ सेवा की कोई गिनती नहीं है। कोई किसी भाव से सेवा करता है, कोई किसी और तरीके से सेवा करता है, वस्त्र नहीं तो कोई नाम की सेवा करता है। अलग अलग सेवाएं होती हैं, किसी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, कोई गलत नहीं है। तो धोने के बारे में बता दूँ, वैसे अगर मेरा जो मत है, पहले अपना पर्सनल बताऊँ, तो भगवान ठाकुर जी के वस्त्रों को धोने का कोई कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उनके वस्त्र ऐसे तो है नहीं है कि वो गंदे हो जाते हैं या कुछ कि उनमें दुर्गंध आ रही है या कुछ, ऐसा तो होता नहीं है कि ठाकुर जी के वस्त्रों में कि गंदे हो गए बहुत, हम लोगों की तरह कि गंदे कुछ खाना पीना लग गया पसीने की वजह, वो ऐसा तो होता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ठाकुर जी के वस्त्रों को धोना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये, क्योंकि वो तो गंदे नहीं होते, दूसरा पॉइंट ये कि धोने से वो ख़राब होंगे, उनकी फिनिशिंग चली जाएगी। और अगर हम धोएंगे भी तो डेली धोने से तो वो कोई कोई एक बारी में धोने से ख़राब हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको धोने का कुछ फ़ायदा है। और तो दूसरा रीज़न ये है, अगर आप उन्हें धोएंगे तो कहाँ ले जाके धोएंगे, बाथरूम जो कि बहुत अशुद्ध है ठाकुर जी कपड़े धोने के लिए, नदियाँ वगैरह आसपास अब हमारे होती नहीं है, सबके पास सुलभ नहीं है, और किचन में जाके जाके धोएंगे तो वो भी शुद्ध नहीं है, वहाँ पर झूठे बर्तन होते हैं, तो आप कहाँ धोएंगे उनको वो, और कहाँ सुखाएंगे फिर, तो बहुत सारी दिक्कतें सामने हो जाएंगी। जगह धोने के क्रिया में अगर वैसे अगर जो धोते हैं उनकी वो बहुत अच्छी बात है, अगर आप धोते हैं बहुत अच्छा भाव है आपका धोइए, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है क्योंकि ख़राब हो जाएंगे उनके वस्त्र, मेन रीज़न ये भी है। तो ऐसा कुछ चक्कर में मत पड़िए। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि ठाकुर जी के वस्त्र में कितने कितने दिन पर बदलने चाहिए, क्या रोज़ बदलने चाहिए या एक दिन छोड़ के बदलने चाहिए, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार बदल दें, ऑल्टरनेट डेज में बदल दें, या सिर्फ त्यौहारों पर बदल दें, या साल में 1 बार। तो वो अगेन मैं फिर वही कहूँगी, ठाकुर जी की सेवा अनंत है, ठाकुर जी अनंत है, हमारी ठाकुर जी की सेवा भी अनंत है। तो आप चाहें तो कितने भी उनके वस्त्र बदले जा सकते हैं। शिव बांके बिहारी मंदिर में एक दिन में पता नहीं कितनी पोशाकें बिहारी जी बदलते हैं, एक दिन में ही वो कई कई पोशाकें धारण करते हैं, जो भक्तों की आई हुई होती हैं तो सारी पहनानी ज़रूरी होती है, क्योंकि सब भक्त भाव से लाए होते हैं तो उनको सारी पहनानी ज़रूरी होती है।
तो और घर पे किसी का नहीं है बजट इतना कि डेली नए वस्त्र पहनाए, या फिर अगर आप पहना भी रहे हैं, रिपीटेड भी बना रहे हैं, तो भी आपका ये भाव के अकॉर्डिंग है, आप किस तरीके से, आपके पास समय कितना है, सिचुएशन कैसी है, इस पर डिपेंड कीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगी तो हमें कि यार डेली बदलने चाहिए ठाकुर जी के वस्त्र, बदलने चाहिए अच्छी बात है, अगर आप बदल रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं खुद डेली बदलती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि डेली बदलो, मैं भी डेली बदलती हूँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरे डेली बदलने चाहिए ठाकुर जी के वस्त्र, आप भी बदलिए, जैसा आपको सुलभ है वैसा कीजिए। अगर आपकी घर की स्थिति के देखते हुए, घर की परिस्थितियाँ क्या हैं, घर में सिचुएशन कैसी है, आपकी बिजीनेस कैसी, बिजी कितने रहते हो आप, बाहर वर्किंग हो, बाहर जाते हो, या घर पर ही रहते हो, या कितना समय है आपके पास, छोटे बच्चे हैं नहीं है, पढ़ाई करते हो या जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या वर्क फ्रॉम होम करते हो, जो भी करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि अगर समय लग रहा है आपको सुबह के टाइम, अगर आपका खाली रहता है, बच्चे नहीं है या कुछ जल्दी भागने के, जल्दी का ऑफिस नहीं है, तो आप वस्त्र बदल के जाइए डेली। और किसी दिन ये नहीं है कि आज नहीं बदले, अगर किसी दिन देर हो गई, देर से उठे, आंखें खुली, ऐसे भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, उनके ऊपर छींटा डालिए और 100 बार राधा राधा जपते चले जाइए अपने अपने काम पर, जहाँ भी जाना है। तो या फिर अगर अगर नहीं है सुलभ तो एक एक दिन छोड़ के बदल दो, अगर वो भी नहीं है तो हफ्ते में एक बार, ऐसे संडे तो आता ही है, चाहे वो पढ़ाई करते हो आप, चाहे आपके कोई भी जॉब है, संडे की छुट्टी होती है, संडे टू संडे बदल दीजिए आप उनके वस्त्र, वो बेचारे जैसे मर्जी एडजस्ट हो जाएंगे आपके लिए बस। लेकिन ये मेन मकसद क्या है हमारा, हमारा ठाकुर जी से कनेक्ट होना मेन मकसद है इन सब क्रियाओं से, ये तो क्रिया है वैसे, लेकिन जब वो ठाकुर जी के लिए की जाती हैं तो वो हमें उनसे हमारा हमारा कनेक्शन स्थापित करवाने लग जाती है, तो हमारे तार उन सेवाओं से जुड़ने लग जाते हैं। तो आपको करनी है, चाहे आप कैसे भी करिए, संडे टू संडे करिए, ऑल्टरनेट डेज कीजिए, महीने में एक बार कीजिए, लेकिन करना है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर जैसे आज आप नहीं बदल पाए ठाकुर जी की ड्रेस या कुछ, तो आप उस दिन कुछ और सेवा दे सकते हो, आप उनको पंखे झुलाने की सेवा दे दो, लेट हो गए, मान लो आपको जल्दी जाना है कहीं ऑफिस या कुछ, और देर से आँख खुली, तो नहा के आए, 2 मिनट उनको पंखे से हवा की, या 2 मिनट उनके चरण दबा दिए, ऐसे 2 मिनट सिर्फ, उसमें कोई देर नहीं होती, वस्त्र बदलने में तो फिर भी उनको स्नान करवाने में समय लग सकता है, तो ये वाली सेवा देके गए। अगले दिन जो जैसे हमारा किसी चीज़ का टाइम टेबल होता है ना, कि आज ये करना है, आज वो करना है, आज हमको ये पढ़ाई करनी है, या किसी भी चीज़ का जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं, उसी तरीके से आप ठाकुर जी की सेवा का भी रख लीजिए। अगर आज मान लो आज आप स्नान नहीं करवा पा रहे, देर हो गई आपको, तो आप चरण दबा के चले जाओ, या आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही देर हो गई, तो 10 बार उनको राधा 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 नाम सुना के चले जाओ, उसमें तो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। और या किसी दिन फुर्सत है आपको, कोई छुट्टी है, हॉलीडे है, त्यौहार है, संडे है, कोई त्यौहार है अच्छा सा उनका, ठाकुर जी का मनोपसंद, तीज का या कुछ भी जो अब त्यौहार आने वाले हैं, उस पर उनको आप अच्छे से सजा दो फुर्सत से। और या फिर किसी दिन आपने कुछ अच्छा बनाने का अगर आपका मन करा, तो उनके लिए कुछ भोग अच्छा सा बना दो। तो सेवाओं को बांट लो हर एक दिन में, सारी एकदम से एक ही दिन में मत थोपो कि डेली स्नान करवाना है, कपड़े बदलने हैं, फिर पूजा करनी है, फिर मंत्र करना है, फिर नाम जप करना है, उसके बाद फिर भोग भी लगाना है, ऐसे तो आप घुसोगे ही नहीं उसमें डर के। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं ना कि अच्छा ये सब करना पड़ेगा, फिर तो रहने दो, फिर तो आप आओगे ही नहीं आगे। आपकी तो ऐसा है जैसे कोई, जिस बच्चे को चलना नहीं आता उसको सीधे कहो कि पहाड़ पे चढ़ना सीख, क्लाइंबिंग सीख ले, वो नामुमकिन है। पहले वो धीरे धीरे चलना सीखे, पहले खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, फिर सीढ़ियों पे चढ़ना सीखेगा, फिर कहीं कुछ दिन बाद जाके वो चढ़ाई की थोड़ी प्रैक्टिस करेगा। तो ये प्रोसेस है, ये नहीं कि वो सीधे ही सब कुछ करने लग जाना है। ऐसे ही आप अपना टाइम टेबल बना लो कि आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, ऐसे बांट लो। हमारे बहुत सरल है ठाकुर जी बेचारे, कैसे भी वे मान जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो राधा नाम से खुश होते हैं। तो ऐसे कर लो, सेवा तो अनंत है भाई, सेवा का कोई अंत नहीं है, सेवा के ना कोई नियम ही है, जो कोई चीज़ अनंत है तो उसके क्या नियम हो सकते हैं। तो जैसा आपसे हो पा रहा है आराम से इजीली, वैसा करिए। कोई हमारे ठाकुर जी हमारे अपने हैं, कहते हैं ना कि अपने तो फिर भी बाद में मनाए जा सकते हैं, पहले और लोगों को मना लो, ऐसा आम भाषा में कह दिया जाता है कि चलो ये तो घर के हैं, तो फिर भी और बाहर के लोगों को मना लो, वो बुरा ना मान जाए। तो ठीक वैसे ही ठाकुर जी को अपने जोन में लेके आइए, उनको अपना बना लीजिए, ऐसे ही ठाकुर जी को मनाइए कि कोई बात नहीं, आप तो बाद में भी मान जाओगे, आपके पास बाद में आ जाओगे, आपके बाद में सेवा कर लूँगी, पहले इन दोनों को देख लूँ।
तो इस तरीके ऐसा कनेक्शन बनाइए इनके साथ भी, ये बट आई मे ये अपने ही हैं, अपने ही रहेंगे, ये कोई रुष्ट नहीं होते और कुछ भी नहीं है। जैसे आपको सुलभ हो रहा है, जब भी सुलभ हो रहा है, जिस दिन भी सुलभ हो रहा है, वस्त्र बदल लिए, श्रृंगार कर दिया, कोई और सेवा कर दी, या जब जब आप कुछ खा रहे हो तब तब उनको भोग लगा के खा लिया, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ठाकुर सेवा से कनेक्ट होने की, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो ईजीली। वस्त्रों के बारे में मैंने बता दिया किस तरीके से बदलने चाहिए, कब कब बदलने हैं, या धोना का तो मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता। बाकी बदलने के आपके भाव के अनुसार, अगर आपके पास रोज़ समय है तो उससे अच्छी क्या बात है कि ठाकुर जी ने आपको रोज़ अपने लिए समय दे रखा है कुछ, कि आप रोज़ उनकी, वैसे इनकी सेवा तो ना 24 घंटे आठों याम हमें उधो, हमें शाम ही सो काम है। गोपियाँ कहती हैं कि हमें आठों याम से केवल शाम का ही काम है। वे सारे कार्य करते हुए दिन में ठाकुर जी का स्मरण करती हैं। वे गोपियाँ जो थी पूरी, उनके बच्चे थे, घर का परिवार था, उन सबको संभालते हुए सारे काम करते हुए कृष्ण, उनसे बड़े भक्तों का कहीं, जिनके कृष्ण भी कहते हैं कि मैं इनका कर्जदार हूँ, कर्जदार खुद को मानते हैं ठाकुर जी गोपियों का। तो ठाकुर जी की सेवा ना 24 घंटे हो सकती है, जो आप क्रियाएं करते हैं उनको समर्पित करते हुए भी उनकी सेवा की जा सकती है। और ऐसा कुछ लोड नहीं लेना है कि हमारे ठाकुर जी के रोज़ नहीं वस्त्र बदले जा रहे, मैं क्या करूं, लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, डरना नहीं है, नहीं बदले जा रहे कोई बात नहीं, कोई और सेवा कर लीजिए, बैठे बैठे नाम कर लीजिए, वो भी आपका उस सेवा में ही आएगा। बहुत सारी सेवा है, और अगर रोज़ बदलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि डेली बदलना है, 2 दिन बाद तो बदलना है, 3 दिन बाद बदलना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये तो अपना भक्त का और ठाकुर जी का आपस का संबंध है, प्राइवेट बातें हैं, है ना। तो चलती हूँ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही ठाकुर जी से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान लेकर आपके पास आती रहती हूँ। नई नई ठाकुर जी की सेवा किस तरीके से आसान तरीके से की जाए वो आपको बताती रहती हूँ। और आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।